हेलो एवरीवन। सो आज एक छोटी सी अपडेट आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती थी, जो पहले आई थी, तो वो पहले क्या हुआ कि निरस्त हो गई। अब दोबारा से ये परीक्षा ली जाएगी और इसका ही एग्जाम हो रहा है। दो पारियों में ये एग्जाम होगा और ये 23, 24, 25, 30 और 31 को ये पूरे राज्य में ये परीक्षा होगी आपकी। ये जो परीक्षा है दो पारियों में होगी और इसमें करीब 5 लाख अभ्यर्थी। इस परीक्षा का जो पैटर्न है वो आपको पता होना चाहिए और आपको जुट जाना चाहिए इस एग्जाम की तैयारी के लिए। जीके के 38 क्वेश्चन, हिंदी के 37 क्वेश्चन जो 74 मार्क्स के हैं, न्यूमेरिकल मेंटल एबिलिटी के 38 क्वेश्चन, फिर आपके मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट और इंटेलिजेंट क्वेश्चन टेस्ट जो होगा वो आपका 37 क्वेश्चन होंगे 74 मार्क्स के। टोटल 150 के जो क्वेश्चन हैं और ये 300 जो नंबर है वो कैरी कर रहे हैं। ठीक है, 150 क्वेश्चन होंगे, 300 आपका उसका जो नंबर होगा। तो इस एग्जाम में मेनली डेट्स तो आपको पता चल गए हैं। तो इसमें रोडवेज की तरफ से निशुल्क यात्रा, जो अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा देंगे उनके लिए निशुल्क यात्रा उपलब्ध कराई जाएगी। और ये परीक्षा, जैसे मैं बता चुकी हूँ, पहले पहले हुई थी, फिर उसके बाद इसको निरस्त कर दिया गया था, तो अब ये दोबारा हो रही है। 60,244 पदों पर सीधी भर्ती हो रही है। इसमें इसमें मेंशन है, जो उनकी तरफ से नोटिस आया है उसमें मेंशन है कि 1 करोड़ तक का जुर्माना और आजीवन कारावास होती है अगर आपको इलीगल एक्टिविटी करते हुए पाए गए। तो चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। और जैसी छोटी छोटी अब न्यूज और जो एग्जाम से रिलेटेड है वो लेके मैं आती रहूंगी इस चैनल पे। तो धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।